दिन भर के प्रायोजक हैं मर्तिया ज्वेल्स, एके टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक, आगामी 16 जनवरी को आयोजित होगा रोजगार मेला। पकड़े गए 2 शातिर चोर, सोने चांदी के जेवरात सहित घड़ियां और मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। सोमवार की रात विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्टेशन के एक रेस्टोरेंट में काटा बवाल, मैनेजर के साथ की मारपीट, 1000 के बिल के बदले दे रहे थे 100 का नोट। प्रदेश प्रभारी पंकज सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई भाजपा की बैठक। जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे 100 बेड वाले मातृ शिशु शैया कक्ष का उद्घाटन, सीएमओ ने किया निरीक्षण। अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी, 2 दिनों तक रहेगी कई बैंकों में हड़ताल। चोरों ने शटर का ताला तोड़कर की लाखों के मोबाइल की चोरी, मामला सीसीटीवी में कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सहजनवा पुलिस और आबकारी टीम की छापेमारी में पकड़ी गई 10 लाख की हरियाणा निर्मित अवैध शराब। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के भी कर्मचारियों ने की हड़ताल। अपने कई मांगों को लेकर डाक कर्मियों ने भी किया हड़ताल, कह रहे हैं सुध ले सरकार। ऑल इंडिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले किया गया प्रदर्शन, कर रहे हैं वेतन विसंगतियों को लेकर विरोध। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, कर रहे हैं सरकार विरोधी नीतियों का विरोध। और एबीवीपी के छात्रों ने किया कोचिंग में हो रहे मनमाने फीस वृद्धि का विरोध, कह रहे हैं शोषण कर रहे हैं कोचिंग संस्थान। शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जाता है। इसी के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के साथ रोजगार से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर तरह से कोशिश की जाए कि कोई भी प्रशिक्षित युवा बेरोजगार ना रहे। इस संबंध में आगामी 16 जनवरी को रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। हमारे यहाँ सर 57,264 लोग काउंसलिंग का लक्ष्य पूरा किया है। और काउंसलिंग कौन करते हैं? काउंसलर आपके पास? हमारे पास काउंसलर्स की टीम है सर, जिसमें ये है मिस्टर सुशील शर्मा है, फ्रीलांस काउंसलर है, मिस्टर संजय गुप्ता, ये माने जाने काउंसलर्स हैं इस शहर के, मीरा जी है, इन लोगों की मदद से अब हम इसकी एक और इनको भी टाइम टू टाइम हम कॉलेज में ऐसे एक और एक को लगा दो ना यार, उस पे क्या प्रक्रिया है? हाँ सर, कैनो में सर। हाँ सर, आए दिन बंद घरों के तालों को तोड़कर शहर भर में चोरी करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। ये दोनों अपराधी सोनू और सूरज महानगर के कई मकानों और दुकानों में चोरी कर चुके हैं और इनके पास से भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात, घड़ियां और रेकी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर 7 मुकदमे पुलिस की ओर से दर्ज किए गए हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए एक पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि अभी इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। आइटम
बरामद हुए हैं, जिसमें घड़ियाँ भी हैं, उसके बाद एक मोटरसाइकिल भी है जिस पर ये घूम करके रेकी करते थे। और इस तरह से एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है गोरखपुर पुलिस के लिए कि जिसमें ये इतने बड़े चोर बरामद हुए हैं, जिनके पास से 20 लाख रुपए का ये सामान बरामद हुआ है। और ख़ास तौर से इसमें महिलाएं जो हमारी होती हैं, उनको बड़ा दुख होता है जब उनकी ज्वेलरी वगैरह चोरी हो जाती है। बड़ी मेहनत से लोग जमा करते हैं अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने कामकाज के लिए, और इनके पास से काफ़ी सारी बरामद हुई। अभी पूछताछ में और भी केसेस के खुलासा होने की गुंजाइश है। सर, दो ही हैं कि पूरा गिरोह है इनका? ये दो हैं अभी, और जैसा कि है अभी इनके और भी एक फरार है, एक तो और अभी पकड़ा जाना है, लेकिन इनके बारे में और तफ्तीश की जाएगी, हो सकता है कि और भी निकले। क्या रहता था इनका? मैक्सिमम एरिया यही शाहपुर और चिलवाताल, इन्हीं एरियाज़ में, आउटर के एरियाज़ में, जहाँ पर ये आप भी जानते हैं कि गोरखपुर के मैक्सिमम लोग जिस तरह से किराए के घरों में लेकर के रह रहे हैं, उन घरों के इलाके तो यही हैं। लोगों का अपराधी किसी याद भी है क्या? ये अभी निकाला जा रहा है, एज सून एज पॉसिबल उपलब्ध होगा हम आपको बताएंगे। जो पकड़े गए सर, कितनी अनुमानित लागत होगी इसके करीब? ये अब आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कार्रवाई में किसी ज्वेलर्स को बुला के कराकर इसका इवैल्यूएशन कराना संभव नहीं था। फिर भी हमारा अनुमान है कि 20 लाख के आसपास तकरीबन ये ज्वेलर्स ज्वेलिंग होंगे। सोमवार की रात विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर हुड़दंगई की। मामला गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक रेस्टोरेंट का है, जहां पर 1000 के बिल के भुगतान के नाम पर अपने आप को हॉस्टल का छात्र बताते हुए मात्र 100 रुपये के भुगतान करने पर जब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इनकार कर दिया तो छात्रों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। छात्रों ने रेस्टोरेंट के मैनेजर की जमकर धुलाई की और रेस्टोरेंट का भी नक्शा बदल दिया। इस दौरान सूचना पाकर और भी विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर इकट्ठा हो गए और सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत कराया और इस संबंध में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि मामला पूरी तरह से नियंत्रित है। विद्यालय के छात्रावास के कुछ छात्र आज रेलवे स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो वहाँ पर पैसों के लेन देन में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ दुकानदारों के साथ, तो लड़कों में और रेस्टोरेंट के मालिक के बीच में मारपीट हुई। बाद में छात्रावास से छात्रों का झुंड गया, इन लोगों ने वहाँ पर कुछ और हल्की तोड़फोड़ की, पुलिस वहाँ मुस्तैद थी, बच्चों को वहाँ से हटाया गया। फिर आके इन लोगों ने छात्रावास सामने जाम लगा दिया था, पुलिस के आते ही इन लोगों ने जाम खाली कर दिया और अपने अपने कमरे में चले गए, हॉस्टल में चले गए। गिरफ्तारी भी हुई थी वहाँ पर, कुछ लोग हिरासत में लिए गए। भाजपा की एक आवश्यक बैठक का आयोजन विधायक पंकज सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के बेनीगंज कार्यालय पर आयोजित किया गया। इस बैठक में पंकज सिंह सहित क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बसपा और अन्य दलों ने किया है, इन दीवारों को तोड़ते हुए सबको एक होकर और सबकी उन्नति के साथ देश की उन्नति का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही लोगों की उम्मीद। जिला महिला अस्पताल की ओर से 100 बेड वाला मातृ शिशु कक्ष का जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। इस कक्ष का निरीक्षण सीएमओ एस के तिवारी ने अपने माथातों के साथ किया। दरअसल इस 100 बेड वाले कक्ष का निर्माण ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए किया गया है और यह आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से सुसज्जित है।
इसके बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ एस के तिवारी ने कहा कि जल्द ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तुरंत ये जनता को समर्पित हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको उद्घाटन कराना है। उस संदर्भ में जो संस्था है HLL, उनके लोग भी आ जाए थे और हमारे प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, हम लोग सब इसको देख रहे हैं। सारा सामान लगभग आ चुका है, उनकी फिटिंग चल रही है। उनको किसको किस रूम में व्यवस्थित करना है वो कार्य प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्द ही वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चिकित्सकों की तैनाती भी, 6 चिकित्सकों की तैनाती हो गई, जिसमें 3 गायनेकोलॉजिस्ट, 2 पीडियाट्रिशियन और 1 एक्सरे के, उसके एनेस्थीजिया के लिए डॉक्टर आ चुके हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। 22 स्टाफ नर्सेज ज्वाइन कर चुके हैं, 4 हमारे लैब टेक्नीशियन ज्वाइन कर चुके हैं और 2 OT टेक्नीशियन। तो स्टाफ भी काफ़ी कुछ आ गया है, अभी कुछ स्टाफ आना बाकी है, 1-2 दिन में वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि इसको हमारे प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय बहुत जल्द संचालित कर देंगे, तभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेकर इसका इनॉग्रेशन करा देंगे। अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बैंकों के कर्मचारियों ने इस बाबत जुलूस की शक्ल में अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, साथ ही NPA के दौरान की जाने वाली वसूली में उनको सुरक्षा प्रदान कराई जाए। इस तरह के कई अन्य मांगों के लिए वे सड़क पर उतरे हैं। ऑल इंडिया बैंकर्स यूनियन के सभी कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए चले गए हैं। बारे में हमारे सिटी वंस चैनल के संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष के तिवारी ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा और हड़ताल 2 दिनों तक रहेगी। अधिकार है उसको डे बाय डे काट रही है, तमाम नए कानून बना रही है, तमाम लोगों को जो मिनिमम वेज है उस पर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। ये मुख्य मुद्दा है। पब्लिक सेक्टर को बंद करने की चाल चल रही है, चारों तरफ पब्लिक सेक्टर को बंद करने की प्रारंभ हो रही है, इसके खिलाफ ही आज की हड़ताल है। KK तिवारी, आज भी हड़ताल है और कल भी हड़ताल रहेगी। सैजनवा पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने हरियाणा निर्मित शराब को जब्त किया है। इस शराब की अनुमानित कीमत 10 लाख बताई जा रही है, जिसे सैजनवा के 0 पॉइंट पर पकड़ा गया। लगातार सैजनवा पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जूता आ रहा है। नाम बताओ। हरदीप। बाप का नाम क्या है? सुभाष। हाँ। कौन गांव है? सोनीपत गांव। सोनीपत, हरियाणा। हमारा क्या नाम है? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 50,000 की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर 10,000 की चांदी की पायलें या डायमंड ज्वेलरी मुफ्त। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त छूट। मर्तिया ज्वेल्स, प्रथम तल, जलकल बिल्डिंग, गोलघर, टाउन हॉल चौक, गोरखपुर। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं, सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह,
हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडा, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908111। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स ए कैश, यू आर वॉचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिनभर। महानगर में पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी आखिरकार चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लाखों की मोबाइल की चोरी कर डाली। मामला कोतवाली का है, जहां पर मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे इस चोरी को अंजाम दिया गया और यह पूरी की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। चोरों ने बेखौफ होकर जमकर मोबाइल की चोरी की, जिसकी अनुमानित लागत 1 लाख से अधिक की बताई जा रही है। फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद चोरों की धरपकड़ जारी है। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि जल्द से जल्द चोर कानून के गिरफ्त में होंगे। कभी आज सुबह की बात वारदात है, देर रात की, शाम 4 बजे के आसपास, जैसा कि CCTV बता रहा है, सुबह 4 बजे के आसपास दो चोर मोबाइल शॉप का शटर उठा करके घुस करके मोबाइल चुरा करके ले गए हैं और इसमें मामला कंसर्न धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। CCTV फुटेज निकाल करके उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है और इसको हमने सर्कुलेट किया है, बल्कि आजू बाजू के ज़िले में भी ये सर्कुलेट किया है, क्योंकि कई बार होता है चोर जो होते हैं वो बाकी के कहीं बाहर से आ जाते हैं या कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो नाकों पर भी ये तस्वीर, और इसमें मैं जनता से भी गुजारिश करूंगा, उस फुटेज की आधार पर अगर आपको आसपास कोई संदिग्ध आदमी दिखाई दे तो हमें तुरंत बताएं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारी 8 और 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार श्रमिक विरोधी होती जा रही है, इसलिए उनको मजबूरन लामबंद होना पड़ा है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वह पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़े हैं और सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण का भी वह विरोध कर रहे हैं। समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू तुमको करना होगा, लागू तुमको करना होगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महामंत्री रूपेश पांडे ने कहा कि यह 2 दिवसीय हड़ताल अपनी मांगों को मनवाने के लिए रखी गई है। डिस्टर्ब करना चाहती है, उसका निजीकरण करना चाहती है, उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर हैं। इसके अलावा हमारे प्रबंधन को जो काम करने की स्वायत्ता मिली हुई है उसमें सरकार बार बार दखलंदाजी करती है, उसमें बेवजह दबाव बनाकर जो है विभिन्न कारपोरेट घरानों में निवेश करने के लिए दबाव बनाती है, उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर हैं। हमारे यहाँ क्लास 3-4 कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, उसकी मांग को लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं। इसके अलावा
पुरानी पेंशन स्कीम सभी को बहाल की जाए, नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू की जाए, इस मांगों को लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं। इसके अलावा जो प्रीमियम है पॉलिसीधारकों से प्रीमियम जो देते हैं उस पर जो है GST 18% जो है सरकार ले रही है, जबकि ये सेवा का क्षेत्र है, सेवा के क्षेत्र में GST एकदम नहीं होनी चाहिए। इस मांग के साथ कि पॉलिसीधारकों को जो है राहत दी जाए, GST को एकदम ख़त्म किया जाए बीमा प्रीमियम पर, इस मांग के लिए आज हम लोग हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल कब तक, कितने दिन का है और ये, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या? ये हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल है, 8 और 9 जनवरी को, और अगर ये हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं चेतेगी तो फिर सारे श्रमिक संगठन एक साथ बैठेंगे और आगे जो है और जबरदस्त लड़ाई के में जाने के लिए निर्णय करेंगे। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं। डाक कर्मियों का भी कहना है कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल की जाए और साथ ही जो भी वेतन और प्रमोशन के संबंध में दिक्कतें आ रही हैं उसे भी जल्द से जल्द सरकार दुरुस्त करे। अपनी मांगों के लिए डाक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का हथियार इस्तेमाल किया है। अपने मांग के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डाककर्मी जनार्दन सिंह ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उनकी सुधि लेनी चाहिए। जो खाली पदे हैं उसको भरा जाए। तमाम तरह के जो शोषण कर्मचारियों के खिलाफ होता है, मैन पावर के लेकर के, अगर रोजगार भी मिलेगा भर्ती करने से और कर्मचारी भी अपने सुचारू रूप से जो है सेवाओं को देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि तमाम जो हमारे भारत सरकार में जो है नौजवान घूम रहे हैं और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो रहे हैं और भर्तियां बंद किए हुए हैं, तो हमारी मांग है इसको भी चालू किया जाए। GDS कर्मचारियों को जो कमेटी है उसको लागू किया जाए, चंद्रा कमेटी को लागू किया जाए और अन्य जो 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशों को, जिसमें तमाम विसंगतियाँ थी, भारत सरकार ने 11 जुलाई 2016 को वादा किया था जो कि हमने इसको पूरा करेंगे, उसको जो है पूरा करने किया जाए। इस तरह से 10 सूत्रीय मांगों के लिए आज हम लोग जो है हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बैनर तले अपने अलग अलग मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन महानगर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके वेतन मापदंड के हिसाब से नहीं दिए जाते हैं और साथ ही उनके ऊपर अगर कोई विपत्ति आई तो उसके लिए भी उन्हें कोई सुरक्षा कवच आर्थिक रूप से नहीं प्रदान किया जाता है। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के सचिव अखिलेश ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन बृहत होगा। 18,000 तय होना चाहिए, मिनिमम पेंशन तय होना चाहिए। जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथी हैं उनका कोई काम का घंटा तय नहीं है, उनको किस काम का सजा मिलेगा ये नहीं तय है, उनको बिल लेके जाना है, उनको डॉक्टर्स कितनी कॉल करनी है, 12 बजे रात तक हमारे साथी मरते रहते हैं, कोई घटना दुर्घटना घटती है इसके बारे में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार कोई भी सोचने को आज तैयार नहीं है, इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है। काम के घंटे 8 होना चाहिए हमारे साथियों का। मनमानी तौर पर महानगर में संचालित हो रही कोचिंगों और उनके बेतहाशा फीस वृद्धि के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इस बाबत जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन सौंपने आए ABVP के छात्रों का कहना है कि महानगर में कोचिंग एक उद्योग का रूप धारण करते जा रहे हैं और आए दिन इससे विद्यार्थियों का शोषण भी हो रहा है। अवैध कोचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनमानी फीस बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ABVP के एक छात्र ने कहा कि जल्द से जल्द प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
सामने रखे हुए हैं कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनकी मानक से अधिक विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों में पढ़ाए जा रहे हैं, जिनके पास सीट नहीं है उस कोचिंग पढ़ाने के, उनके पास मानक नहीं है, पंजीकरण नहीं, उसके बाद भी उन कोचिंगों को पढ़ाया जा रहा है। कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक उन शिक्षण संस्थानों को चला रहे हैं, ना तो उनका पंजीकरण हुआ है, ना तो उन किसी मानक है, उसके बाद भी वो शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं कोचिंग संस्थान। ऐसे कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। कई ऐसे कोचिंग संस्थाएं हैं जो लगातार कई MBA BBA और इंजीनियरिंग कई ऐसे कोच प्रवेशों को लेकर वो पढ़ाई कंपटीशन के नाम पे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग संस्थाएं चला रहे हैं, उसके बाद भी वो फीस अधिक से अधिक लिए जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को लगातार शोषण किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों के शोषण ना हो इसलिए हम सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।